हाय गाइस, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने स्टैटिक काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी देखी थी इन केस ऑफ बीम्स, ठीक है। तो अभी हम फ्रेम्स को डिस्कस करेंगे, रिजिड फ्रेम को डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं और समझते हैं कैसे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी वर्क करती है इन केस ऑफ रिजिड फ्रेम्स, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम नंबर वन है मेरे पास, मुझे इसमें डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ओके। तो सबसे पहले मेरे को डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है। मैंने मेंबर अज्यूम किया यहां पर इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी सी डी ई एफ जी, ओके। तो कहने का मतलब है ये सबसे पहले आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ जॉइंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। क्लियर है पॉइंट? तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं मेरे पास यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स 7 है, ओके। और हर जॉइंट पर पता है कि मुझे 3 डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं, एक एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, और एक मोमेंट रोटेशन मिल सकता है और जेड एक्सिस, ओके। तो मैं यहां पर आता हूं, मेंबर्स कितने होंगे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, एम है मेरे पास 6 मेंबर। क्लियर पॉइंट? उसके बाद रिलीजेस है मेरे पास कुछ यहां पर, एक मोमेंट का रिलीज इस पॉइंट पर, एक मोमेंट का रिलीज इस पॉइंट पर, एक मोमेंट का रिलीज इस पॉइंट पर है। क्लियर है? तो मैं अगर फॉर्मूले पर आऊं तो डीके होता है मेरा, बेसिकली डीके होता है मेरा 3 3j 3j, दिस j इंक्लूड बोथ रिलीजेस, ओके, जॉइंट प्लस रिलीज जॉइंट्स, ओके। जो इनिशियली आपके जॉइंट से वाले, इसको प्लस रिलीज जॉइंट भी है इसमें, फिर उसके बाद उसमें हमारा 3j हो गया, ठीक है। तो 3j डिस्प्लेसमेंट मेरे को हर जॉइंट से मिल गई, ठीक है। प्लस रिलीजेस में मेरे को कितने डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे, यहां पर मुझको एक मिलेगा, वन यहां मोमेंट रिलीज हुआ, एक यहां पर भी एक मोमेंट रिलीज हुआ, यहां पर भी एक मोमेंट रिलीज हुआ, ठीक है। तो यहां पर आएंगे मेरे पास 3, क्लियर है। उसके बाद प्लस साइन माइनस साइन, ये मेरे रिस्ट्रेंट्स पॉइंट है यहां पे, ये मेरे रिस्ट्रेंट्स पॉइंट है। तो यहां पर मेरे को डिफ्लेक्शन, जो यहां पर मेरे रिएक्शंस कितने हैं, उतने ही मेरे वहां पर मेरे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। यहां पर क्या है, यहाँ पे 3 रिएक्शंस यहां पर है और 3 रिएक्शंस यहां पर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -6, ओके। कहने का मतलब है कि ये 6 डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगी क्योंकि ये रिस्ट्रेंट किया है इन्होंने सब फिक्स सपोर्ट में यहाँ पे, ठीक है। और माइनस ऑफ मेंबर की इनएक्सटेंसिबिलिटी कितना है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जे मेरे पास कितना है, 3 × 7 + 3 − 12, कितना आ जाएगा 21 − 9 कितना हुआ आपका 12, क्लियर है। तो मैं फॉर्मूले से देख रहा हूं तो मेरे को वैल्यू मिल गई है यहां पर 12, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली इसका बना के देखूं कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट कितने मिलते हैं एक बार विदाउट यूजिंग अ फॉर्मूला, ये मेरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मेरे इंटरनल हिंज है, ठीक है। ध्यान रखना है जॉइंट में मैंने इंटरनल हिंज को भी कंसीडर किया है, क्लियर है। तो अभी मैं देख रहा हूं मेरे को इस पॉइंट पर मेरे को डिफ्लेक्शन मिल सकता है वर्टिकल एक्स एक्सिस में, तो इसको मैं एक्स भी मानता हूं। यहां पर 2 रोटेशन पॉसिबल है, θb1 और θb2, ये चीज भी है, क्लियर है। सिमिलरली मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, इस पॉइंट पर मेरे को एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। सेम यही ये भी एक डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर xc, ये भी क्या होगा xc, ले रहे। कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट मेरे होंगे इस पॉइंट पर, अननोन मेरे पास एक ही है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक ही कंसिडर करूंगा xc, क्लियर है। यहाँ पर मेरे को एक रोटेशन भी मिल सकता है थीटा सी, ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इस पॉइंट पर मेरे को क्या क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर एक मिलेगा मेरे को yd वर्टिकल डायरेक्शन में, क्लियर है, और एक थीटा d1 और एक थीटा d2, ये भी क्लियर है, क्योंकि यहां पे मैंने मोमेंट रिलीज कर दिया ना, तो ये मेंबर इंडिपेंडेंटली रोटेट करेगा, ये मेंबर इंडिपेंडेंटली रोटेट करेगा, ओके। नेक्स्ट आगे आता हूं इस जॉइंट पर मेरे को सिर्फ एक रोटेशन मिलेगा थीटा e, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होगा बट वो बराबर होगा एक्सी के, तो मैं एक ही एक्सी कंसीडर करूंगा इस केस में, क्लियर है। इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर भी कुछ मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है हिंज के अलावा, तो कितना होगा आपका xf, क्लियर है। यहां पर भी रोटेशन मेरे को मिल सकता है, कितना थीटा f1
और थीटा एफ टू क्लियर पॉइंट, और इस पॉइंट पर जीरो जीरो होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। तो कितना मिल गया मेरे को, वन यहाँ पे, इधर पे मेरे को मिले हैं थ्री, इधर पे टू, यहाँ पे फोर, यहाँ पे वन, यहाँ पे थ्री। तो कितना हुआ है आपका, फोर और थ्री सेवन, सेवन टेन, टेन और टू ट्वेल्व, और एक थर्टीन, थर्टीन आ रहा है पर फॉर्मूले में ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस नाइन थ्री जे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थ्री जे ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन, और डिस्टेंस कितने हैं इसके, माइनस सिक्स, एक दो तीन चार पाँच छः, छः मेंबर हो गए, सिक्स डिस्टेंस हो गए ट्वेल्व, तो नाइन, ट्वेंटी वन माइनस नाइन इज ट्वेल्व। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, थीटा सी, ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ओके ठीक है, यहाँ पर थ्री है, इस पॉइंट पर भी थ्री है, सॉरी ओके इस पॉइंट पर भी थ्री है, इस पॉइंट पर भी थ्री है, ओके तो यहाँ पर टू है और इधर पर वन है, तो कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, कितना हो गया आपका नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये भी करेक्ट आंसर दे रहा है, मतलब दोनों चीज मैच कर रही है, क्योंकि हम पहले बीम के केसेस में देख चुके हैं कि कभी कभी हमको इस फॉर्मूले से आंसर डिफरेंट मिलता है, बट इस तरीके से डिफरेंट आंसर मिलता है, तो एक्चुअल तरीका आपका यही है, ठीक है, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो बेटर है कि आप यही चीज यूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर टू पे, प्रॉब्लम नंबर टू कह रही है, इसमें भी मेरे को डीके कैलकुलेट करना है और जो मेंबर है, मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल, ओके तो डीके मेरे को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मेरा काम वही है भाई कि मैं नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट कर दूं, क्लियर है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स जो होंगे मेरे वो होंगे कितने, इस पॉइंट पर एक जॉइंट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो जी हमारे पास कितना हो गया टेन जॉइंट्स, एक बार फिर से कैलकुलेट करते जनरली मिस्टेक इस चीज में हो जाती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं मेरे पास, मेंबर्स अगर मैं देखना चाहूँ तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन मेंबर्स हैं आपके, इलेवन, क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ, फॉर्मूला मेरा बोलता है डीके इक्वल्स टू थ्री इंटू जे, थ्री इंटू जे, कोई इंटरनल रिलीज तो है नहीं इसमें, थ्री इंटू जे माइनस ऑफ, इसमें रिएक्शन कितनी है यहाँ पे थ्री मिलेगी, यहाँ थ्री मिलेगी, यहाँ थ्री मिलेगी, तो माइनस ऑफ नाइन, क्लियर है, माइनस ऑफ मेंबर कितने हमारे इलेवन, यही क्वेश्चन है। तो जे कितने मेरे पास, थ्री इंटू टेन माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी, थर्टी माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू टेन, क्लियर है पॉइंट। तो इसकी जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होगी वो होगी मेरी डीके, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मेरे को डिफ्लेक्शन मेरे को डायग्राम बनाना है इस पूरे फ्रेम का, तो मेरे को मिनिमम इतने डिस्प्लेसमेंट मेरे को चाहिए, डीके मेरे को चाहिए चाहिए होंगे, ठीक है। तो यही सिग्निफाई करता है डीके, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, क्लियर है पॉइंट। तो इसी में हम देखते हैं कि अगर हम इसको एक्चुअल में देखना चाहें कि हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेट अस सपोज एक्स मिलेगा इधर पे, इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके तो यहां पर कुछ मिलेगा मेरे को x31, x3 मिलेगा, इस पॉइंट पर भी x3 होगा हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पर भी x3 होगा, क्योंकि ये एक्चुअली रिजिड है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, बट मैं एक ही कंसीडर करूंगा यहां पर, ओके तो x3 रहेगा और यहां पर एक रोटेशन रहेगा, क्लियर है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि मेंबर एक्चुअली रिजिड है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी क्या रहेगा, एक मोमेंट रहेगा, सिमिलरली यहां पर भी एक मोमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा बट उसको मैं यहाँ पे कंसिडर कर चुका हूँ, क्योंकि ये चीज सब सेम होने वाली है, सेम होने वाली है, तो मुझे तीन डिफरेंट डिफरेंट नहीं लेने, एक ही चीज लेनी है, ओके। सिमिलरली मैं जॉइंट पर आता हूँ, यहाँ पर भी एक डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर है, एक रोटेशन होगा, यहाँ पर भी एक रोटेशन होगा, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक रोटेशन होगा और एक रोटेशन होगा, यही सब डिफ्लेक्शन होंगे मेरे, डिस्प्लेसमेंट होंगे, कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है क्योंकि मेंबर्स आर एक्चुअली रिजिड, ओके तो कितने हुए यहाँ पे, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस,
यहाँ से भी आपका आता है डी के इक्वल्स टू 10। कहने का मतलब है कि मेरे को मिनिमम 10 डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट चाहिए अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अगर मेरे को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्लोप एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां से हमको पता लगता है डी के, देख रहे अभी देख रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम आ रही है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो बेटर है कि आप इस अप्रोच से चलिए, ये कभी कभी आपको आंसर थोड़ा गलत भी दे सकता है क्योंकि हम बीम के केस में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 पर आते हैं। क्लियर है, तो प्रॉब्लम नंबर 3 में भी हमको क्या फाइंड करना है, डीके फाइंड करना है, डीके और मेंबर है मेरे इनएक्सटेंसिबल, मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो मेंबर जब मेरे इनएक्सटेंसिबल है तो मेरे को एक्चुअली एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेरी अलाउ नहीं है, क्लियर है। तो भाई सबसे पहले मेरा काम है नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ जॉइंट्स मैंने अगर कैलकुलेट किए इस पॉइंट पर आकर मेरे को नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर मेरे को चाहिए कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j इक्वल टू 6। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर, मेंबर इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, मेंबर है आपके पास 5, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है, हर जॉइंट पर मेरे को कितने डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं, 3 into j, 3 into 6, क्लियर है, 3 into j। और रिस्ट्रेंट कितने हैं मेरे पास यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, मतलब ये सपोर्ट कंडीशन था, ये इस जॉइंट्स पर ये डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, -3 + 3 + 3 + 3, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम माइनस ऑफ मेंबर इनएक्सटेंसिबिलिटी की वजह से कितने मेंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्स हैं, क्लियर है पॉइंट। तो अगर मैं डीके कैलकुलेट करूं भाई इस फॉर्मूले से, डीके आता है मेरे पास 18 माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 5, तो डीके मेरे को मिल गया यहां पर कितना, 1। ओके, ये चीज है, एक बार अभी इस फॉर्मूले पर अब इसका देखते हैं कि हमारा ये रिजल्ट आया करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, यही फिगर है हमारा, तो यार अभी इसके अकॉर्डिंग जो है डीके वो मेरे को मिल रहा है, कितना मिल रहा है डीके मेरे को 1 मिल रहा है। बट अगर मैं क्वेश्चन में देखूं यार, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो अलाउड है ही नहीं क्योंकि एक्चुअली रिजिड है, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस फिगर को देखूं तो भाई ये रिजिड जो है मेरे को एक रोटेशन यहां तो मिलना ही मिलना है, क्लियर है, एक रोटेशन मेरे को इधर पे मिलना है, क्लियर है, तो मिनिमम 2 तो इसका आना ही आना है, ठीक है। बट यहां पर डी के इक्वल टू 1 है तो कुछ ना कुछ क्लैशेस है, मतलब कुछ चीज है जो मतलब इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो हमको गलत आंसर मिल रहा है इस वजह से, क्यों मिल रहा है एक बार देखते हैं, ठीक है। और एक इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगर मैं इस फिगर से ये भी हमारा कितना होगा, सपोज दिस इज डी पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये एक्स इधर होगा और एक्स बी इधर होगा, बट एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ई होगा, क्लियर है, सेम डायरेक्शन में है ना भाई, तो सेम होंगे, क्लियर है। बट हम तो इसलिए हमारी जो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम एक ही यही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, अननोन हमारा एक ही है, तो यहाँ पर क्योंकि अगर एक्स जी मेरे को पता चल जाएगा तो एक्स भी मेरे को इजिली पता चल जाएगा, तो यहाँ पर मेरे को डी के जो इस फिगर से मिलता है वो मिलता है मेरे को 3, क्लियर है पॉइंट। तो एक बार इसको देखते हैं कि हमारा आंसर रहे ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है बेसिकली। एक्चुअली अगर हम देखें फिगर, अगर मैं इन मेंबर्स को हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं इसका जो डायग्राम मेरा कुछ बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा, क्लियर है, अगर ये मेंबर्स नहीं होते मेरे पास, क्लियर है, तो इस केस में अगर मैं काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी कैलकुलेट करूं इसकी तो वो भी कितनी आएगी, थीटा यहां पर, एक थीटा यहां पर, डी के इक्वल्स टू 3, क्लियर है। और अगर मैं इस मेंबर्स को यहां पे पुट कर दूं इस इक्वेशन के बाद, अगर मैं मेंबर यहां पे लगा दूं तो तब भी मेरी डीके कितनी आ रही है मेरे को, 3 आ रही है। कहने का मतलब है कि ये इन मेंबर्स की इनएक्सटेंसिबिलिटी से कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, क्लियर है पॉइंट, इन मेंबर की इनएक्सटेंसिबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अगर ये हो भी ना तो भी इसकी डीके 3 आएगी, अगर ये है तब भी डीके इसकी 3 आएगी, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में जो आपका डीके आ रहा है वो बना रहा है क्योंकि मैं दो मेंबर को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ अलग से, ये दो मेंबर्स, इनकी इनएक्सटेंसिबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में,
क्लियर है पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस चीज से कैलकुलेट करूं तो डी के इक्वल टू 3 आ रहा है और यहाँ पे डी के इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है कि क्यों हमारा इस फॉर्मुले से डी के बना था और इससे डी के हमारा 3 आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अभी आगे और प्रॉब्लम देखते हैं।